ये चंदन भाई थे जिसने मेरा चश्मा खो दिया था, अब दिलवा रहे हैं यहाँ पर मुझे। दिलवा दो यार। दिलवा, मैं पहले ये लेके गया था, पता नहीं कैसे खराब हो गए। अभी मैंने अंकल जी से रिक्वेस्ट करी ना, तो अंकल जी ने मुझे ये दे दिया हरा वाला। इसके अंदर पानी भर के फिर मैं पौधा लगाऊंगा भाई, अब देखते हैं कितने चलेगा। अच्छा ये बता, इनमें से तू कौन सा झूला झूल सकता है भाई? मैं यहाँ झूला झूल सकता। अंकल जी पकड़ लो, इसके पैसे देंगे नहीं हम, ये खुद देगा। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, क्या सब लोग, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो चंदन ही बैठा है, ये इसको मैं घर से लेके आ चुका हूँ, ये रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज काशीपुर। हमारे यहाँ रामनवमी में काशीपुर में होता है बहुत भव्य मेला, तो देखो मैं तो मेला घूम के आ चुका हूँ, लेकिन ना ये चंदन अभी तक मेला नहीं गया है, तो ये मेरे को बोल रहा था भाई चलो मेला चलते हैं, वहाँ पर वीडियो शूट करेंगे, मेले को एक्सप्लोर करेंगे। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो फिलहाल में आज सभी लोग जा रहे हैं, केडी, मैं, चंदन के फैमिली वाले, तो देखो हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से, और वो लोग अभी पीछे आ रहे हैं, तो हम सीधा मिलेंगे उनको मेले में, वो भी हमें मेले में मिलेंगे। तो यहाँ पर अपनी बाइक पार्क हो गई है, ये देखो, और स्टिकर ये लग गया, 30 रुपये दिए हमने पार्किंग के। फिलहाल में हम लोग ना यहाँ पर हैं, और केडी लोगों को ढूंढना है, क्योंकि वो चले गए हैं दूसरी वाली पार्किंग में, अभी उनको ढूंढना पड़ेगा यार। मैंने उनको बताया था यामा एजेंसी के साइड से जाना, वहाँ पर पार्क करना, अब पता नहीं वो आगे चले गए। फिलहाल में अभी पहुँच गया मेला, यहाँ पर है माता बाल सुंदरी, और बहुत भव्य मेला लगता है। वैसे नाइट में ना बहुत ही तगड़ा मेला लगता है, तो अभी ना दिन में आए घूमने, दिन में भी दिखा देते हैं एक बार, नाइट में तो मैंने देख रखा है, नाइट में भाई बहुत ही तगड़ा लगता है। फिलहाल में अभी चलते हैं। तो अभी पहुँच गए हम मंदिर में, और यह है माता बाल सुंदरी का मंदिर। फिलहाल में चाची लोग जा रहे हैं अंदर प्रसाद चढ़ाने, और हम लोग जा रहे हैं आगे मेला घूमने के लिए। बाकी देखो ये है अपने ग्रुप के लोग, ये है केडी, केडी चलें। ये चंदन भाई थे जिसने मेरा चश्मा खो दिया था, अब दिलवा रहे हैं यहाँ पर मुझे। दिलवा दो यार। हाँ दिलवा रहा हूँ। देखो फिर दीपू, देख तो सही, छाट तो। फिलहाल में हम लोगों ने ये सनग्लासेस ले लिया, चंदन ने मेरा सनग्लासेस खो दिया था, तो अभी ना चंदन ने यहाँ से दिलवा दिया मुझे। फिलहाल में अब निकलते हैं आगे। ये बॉस को भाई बड़े मुश्किल से मनाया मैंने आज, पैसे दिए ना तूने? दे दिए। कैमरे में कह रहा भाई दे दिए, कैमरे में कह रहा दे दिए, अभी दे नहीं रहा था भाई ये। पैसे को जाने भी नहीं देता। जब मैं हरिद्वार से लेके आया था ना इनको, ऐसा नहीं बना था, वो बेकार हो गया था। फिलहाल में मैंने अंकल जी से लिया है पानी में डाल के, ये इसमें दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें चार हैं। पता है मैं पहले ये लेके गया था, पता नहीं कैसे खराब हो गए। अभी मैंने अंकल जी से रिक्वेस्ट करी ना, तो अंकल जी ने मुझे ये दे दिया हरा वाला, अब मैं इसको ऐसे ले जाऊँगा। और हम लोगों ने लिया है ये पता क्यों लिया है मैंने? वो कहाँ है मेरा वो? ये पौधा, ये संजीवनी पौधा ना, ये वाला। इसमें भाई मैंने अंकल जी से पता कराया कि इसमें ना पानी रख सकते हैं, ये बोल रहे हैं पानी रख सकते हैं। अब इसमें ना पानी डाल के केडी पकड़ना, एक बार इसके अंदर पानी भर के फिर मैं पौधा लगाऊंगा भाई। पहुँचे अभी झूले वाले एरिया में, और देख रहे हो सारे झूले रुके हुए हैं इस टाइम, क्योंकि ना नाइट वही मजा आता है झूले झूलने का, दिन में तो बंद रहते हैं। अच्छा ये बता, इनमें से तू कौन सा झूला झूल सकता है भाई? मैं यहाँ झूला झूल रहा हूँ। एक तो वो नाव वाला है, वो झूल रखा हूँ मैं, और केडी देखा, एक ये भी झूल रखा हूँ मैं, ये वाला बड़ा वाला, और एक और झूल रखा हूँ, पता कौन सा? वो उधर ब्रेक डांस वो है ना, वो झूल रखा हूँ मैं, तीन। बाकी भाई इसमें हिम्मत नहीं है मेरी, एक ये वाले में और एक ये वाले में, डबल डिस्क खतरनाक है भाई। तो अभी मैं आया हूँ इस शॉप में, और ये है हलवा परांठा, हलवा परांठा ही बोल देना इसको, तो स्पेशल ना घर में मेरे से मंगवाया था, क्या मेला जा रहे हो तो हलवा परांठा लेकर जरूर आना। सबसे पुरानी दुकान कौन सी है? ये भी पुरानी दुकान है, साल करीब हो गए। आप तो काफी सालों से लगा रहे होगे ना यहाँ? बिल्कुल 25 साल बता चलाऊंगा भैया। पता नहीं, फिलहाल में पापा ने बोला था ना दिल्ली चाड़ा से लिया ना, जो सबसे पुरानी दुकान है मैंने ले लिया है, अब घर जाके देखते हैं यार, घर के लोग खा करके इसको अच्छा ही बताएंगे और कहेंगे कि हां चलो बढ़िया जगह से खा कर बताएंगे भी, रहना। तो फिलहाल मैं हलवा पराठा ले लिया, और एक चीज़ और लेनी है, फिर निकलते हैं अपने लोग घर की तरफ। केडी केडी टैटू करवाना है तुझे? तो ये केडी ने भाई आइसक्रीम ली है, अब केडी देगा इसका बिल, लिया ये देगा भाई, ये देखो मेरे को दिलवा दिया है। अभी ना घूमते कहाँ जा रहा है अंकल? पकड़ लो, इसके पैसे देंगे नहीं हम, ये खुद देगा। तो भैया अभी ना घूमते हालत ख़राब हो गई थी,
और मैंने उसको बोला पानी पी ले, पीछे कह रहा पानी नहीं पीऊंगा भी, आके आइसक्रीम खाऊंगा। तो भैया हमें भी दिलवा दी आइसक्रीम, हम भी आइसक्रीम खाते हैं फिर निकलते हैं। फिलहाल में मुझे एक चीज़ और लेना है, वो वहाँ पर पेठा, पेठे का मीठा लेना है, फिर घर निकल जाएंगे। देख रहे हो धूप कितनी खतरनाक हो रही है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, फिलहाल में बस सब कुछ तो ले लिया, पेठे का मीठा ले जाना रह गया, बस ये ले जाएँ क्योंकि यार घर से ना ऑर्डर मिला था भाई, एक पेठे का मीठा और दूसरा हलवा पराठा, ये दो चीज़ ज़रूर लेकर आनी थी। तो फिलहाल में सब चीज़ तो ले लिया, अब निकल रहे हैं। क्यों बॉस निकल रहे हैं ना, बाकी देखो घर के लोग रह गए, वो घूम रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं यार। तो ये हो गया अपना सारा सामान, बाकी सब कुछ हमने ले लिया यार जो लेना था, और घूमते घूमते बहुत टाइम हो गया। तो अभी मेले से पहुंच गए हैं घर, और देखो मेले में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, हम सभी दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। लेकिन जो मेले घूमने का मज़ा है ना, वो नाइट में जितना है ना, वो उतना दिन में नहीं है। दिन में घूमे लेकिन उतना मज़ा नहीं आया जो नाइट में आता है, क्योंकि देखो 4-5 दिन पहले मैं नाइट में मेला घूम के आ चुका हूँ तो मुझे पता है, लेकिन मैंने उस टाइम कोई वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि मेरे पास कैमरा भी नहीं था और नाइट में मेरा फ़ोन इतना अच्छा शूट करता नहीं है, तो मैंने उस टाइम शूट नहीं किया था। चंदन के साथ आज गए थे तो हमने आज अच्छे से शूट किया। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको मेला घूमना ना तो आप शाम के टाइम चले जाओ, अच्छे से मेला घूमना, नाइट का जो व्यू आएगा ना भाई बहुत तगड़ा आता है और इतना अच्छा लगता ना। दिन में ना इतना मज़ा नहीं आ रहा था मेला घूमने में, और गर्मी अलग से लग रही थी, फिलहाल में हमने फिर भी इंजॉय करा मेले को। और देखो मेले से आते ही जो सबसे पहला मैंने काम किया था ना, ये देख रहे हो पीछे संजीवनी पौधा जो मैं पहले हरिद्वार से लेके आया था भाई, मैंने आते ही ना इसमें पानी भरा गिलास में और पौधे को रख दिया। अभी मैं पॉट भी लेके आया हूँ, देखो वो पीछे है वो वहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैंने पॉट भी ला रखे हैं, उसमें पहले पानी रखूँगा फिर इसको पौधे को रख दूँगा। अभी मुझे पता नहीं भाई इस पॉट में पानी रुकेगा या नहीं रुकेगा, वैसे जिन सब ने लिया था ना वो अंकल जी बोल रहे थे पानी रुक जाएगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा क्योंकि पहले मैं हरिद्वार से लेके आया था भाई और वो ना पूरा ख़राब हो गया था, और जब ये पौधा ना ग्रीन होता ना तो इतना प्यारा लगता, तो इसलिए भाई मैं इसको दोबारा से ले आया, फिलहाल में अब ये ख़राब ना हो। चलो ठीक है, इस वीडियो का एंड भी यहीं करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और नई वीडियो में।